पॉजिटिव रचनात्मक कोशिशों के लिए दिन अच्छा है। अपनी भावनाएं किसी भी ढंग से व्यक्त करने में आप बहुत हद तक सफल हो सकते हैं। पुरानी समस्याओं को नए तरीके से हल करने के लिए अच्छा ठीक है। नए लोगों से मिलना आपके लिए अच्छा रहेगा। आप आज कुछ व्यावहारिक मामलों से भी निपटने में सफल रहेंगे। रोमांटिक गतिविधियों के लिए भी अच्छा समय है। आने वाले एक दो दिनों में यात्रा पर भी जा सकते हैं। सेहत पहले से बेहतर होगी। कोई बड़ा फैसला लेने से पहले खुद को समय दें। नेगेटिव कामकाज में आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। वर्कलोड ज्यादा ही रहेगा। आर्थिक समस्या बनी रहेगी। बड़ा निवेश ना करें। पैसों को लेकर किसी योजना में बदलाव भी करना पड़ सकता है। अचानक किसी नई सूचना के कारण ऐसा हो सकता है। नए काम शुरू ना करें। जोखिम भरे फैसले ना लें। क्या करें, माँ या माँ समान किसी महिला को सफेद मिठाई खिलाएं? लव अजीब स्थिति का भी सामना करना होगा। खुद पर कंट्रोल करें। लव पार्टनर के साथ कहीं घूमने भी जा सकते हैं। करियर आर्थिक समस्याएं रहेंगी। किसी को पैसा देने से बचें, कहीं पैसा लगाने से भी बचें। स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। फालतू कामों में समय खराब हो सकता है। हेल्थ सेहत पहले से बेहतर हो सकती है। खान पान का ध्यान रखें। रिश्ता दिन भर मदद मिलेगी और कुछ काम समय पर पूरे होंगे। जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के साथ विचार विमर्श होगा। कोई नया सदस्य परिवार से जुड़ सकता है। संतान से सहयोग मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा रहेगा। सफलता मिलेगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा। बिजनेस करने वालों के लिए दिन सामान्य रहेगा। नेगेटिव सौंदर्य से संबंधित वस्तुओं पर धन और समय खर्च हो सकता है। निजी मामलों में आपके विचारों को आसपास के लोगों का समर्थन नहीं मिल पाएगा। आज आप थोड़े सावधान भी रहे। किसी बात या स्थिति को लेकर आपके मन में डर हो सकता है। कोई भी काम सावधानी से करना अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा ही सावधानी डर में भी बदल सकती है। सजावटी चीजों पर खर्चा हो सकता है। क्या करें, आंकड़े के पेड़ में पानी डालें। लव, आपको भावनात्मक मजबूती मिल सकती है। लव लाइफ के लिए दिन शुभ है। लव पार्टनर से सहयोग और प्यार मिलेगा। करियर अधिकारियों के कारण तनाव भी हो सकता है। कोई अच्छा समाचार भी मिल सकता है। बिजनेस करने वाले लोगों को सहयोग मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा। हेल्थ, पुराने रोगों से भी मुक्ति मिलेगी। सेहत भी अच्छी रहेगी। मिथुन, पॉजिटिव अधिकार बढ़ सकते हैं। नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। बड़ा काम भी आपको निपटाना पड़ सकता है। ऑफिस में अपने से बड़े पद का काम दिया जा सकता है। ईमानदारी और मजबूती से आगे बढ़ेंगे तो सफलता मिल पाएगी। जो भी नए मौके मिलते हैं उनका फायदा उठाने के लिए तैयार रहेंगे। अपने काम पर ही ध्यान दें। आम तौर पर लोग आपकी बात सुनेंगे भी और मानेंगे भी। व्यस्तता ज्यादा रहेगी। जीवन में बदलाव लाने का कोई नया तरीका भी आपके दिमाग में आ सकता है। सेहत पर ध्यान दें। नेगेटिव, हर तरह की मेहनत और कोशिशों के बावजूद कुछ काम पेंडिंग भी हो सकते हैं। आसपास वालों के विवाद में दखल देने से बचें। अपनी बातों को लेकर आप थोड़े जिद्दी भी हो सकते हैं। किसी बात या मामले को लेकर मन में शंका हो तो नया काम करने से बचें। वो काम ज्यादा ही जरूरी हो तो करने से पहले किसी अनुभवी की सलाह लें। क्या करें, अशोक के पेड़ पर चंदन से स्वस्तिक बनाएं। लव पार्टनर आपसे प्रभावित होगा। अपने लव पार्टनर के लिए आप कुछ खास कर सकते हैं। करियर, कुछ नया करने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लें। जोखिम भरे फैसले भी लेने से बचें। स्टूडेंट्स को मेहनत से कुछ कम सफलता मिल पाएगी। मूड भी खराब हो सकता है। हेल्थ, पेट दर्द होने के योग है। भोजन पर ध्यान दें। कर पॉजिटिव, जो जरूरी काम है उनकी लिस्ट अलग बना लें। आपकी राशि में ही चंद्रमा आ गया है। सामाजिक संबंध और प्रतिष्ठा को लेकर दिमाग में कुछ बातें चलेगी। लोग आपका साथ देंगे। आप सही दिशा में सही फैसले लेने की कोशिश करेंगे। आने वाले दिनों में आपको उनसे फायदा होगा। समाज में आपकी अच्छी इमेज भी बनेगी। धार्मिक कामों में मन लगेगा। कोई मांगलिक काम भी पूरा करेंगे। नेगेटिव, चिड़चिड़ाहट रहेगी।
मन में भावनात्मक उतार चढ़ाव आ सकते हैं। आपके आसपास की कुछ परिस्थितियों के साथ तालमेल नहीं बैठेगा। किसी दिशा में कोई कदम बढ़ाते समय अगर हल्का सा कोई नकारात्मक इशारा मिले तो आप आगे ना बढ़ें। वहां वास्तव में जोखिम भी हो सकता है। पैसों के मामले में आपको कुछ फैसलों पर मन मार कर राजी होना होगा। आज किसी को उधार पैसा ना दे। सेहत के मामले में सावधानी रखें। क्या करें, किसी भी मंदिर में रुई घी और मिश्री दान दें। लव पार्टनर की भावनाओं को समझें। पार्टनर को आपके साथ की जरूरत है। आप खुद भी जिस शांति और प्रेम की तलाश में हैं वो आपको अपने पार्टनर से ही मिलेंगी। करियर बिजनेस में बड़े फैसले ना लें। पैसा के मामले में उलझने बढ़ सकती है। स्टूडेंट्स को कैंपस सिलेक्शन में परेशानी हो सकती है। तनाव भी बढ़ सकता है। हेल्थ स्फूर्ति महसूस होगी। दिन ताजगी भरा रहेगा। प्रसन्नता रहेगी। सिंह पॉजिटिव, जरूरी काम जो हमेशा एक ही ढंग से होते आए हैं उनमें कुछ नया हो सकता है। अपने लक्ष्य पर ध्यान दें और पुराने दोस्तों से मिलें। कॉन्टैक्ट्स अपडेट करें। नए लोगों से मिलकर अपनी नई इमेज भी आप बना सकते हैं। नए पुराने और महत्वपूर्ण कॉन्टैक्ट में से कोई ऐसी मुलाकात होगी जो आने वाले दिनों में आपके लिए कारगर साबित हो सकती है। थोड़ा पैसा भविष्य के लिए बचाने की बात मन में आ सकती है और यह ठीक भी रहेगा। आज आप कुछ मामलों में ज्यादा भावुक हो सकते हैं। कारोबार से जुड़ी यात्रा होगी। नए लोगों से दोस्ती होगी। आत्मविश्वास रखें। नेगेटिव, किसी यात्रा में आपका पैसा ज्यादा खर्च हो सकता है। संबंधों के किसी एक मामले पर आज आपको काफी ध्यान देना पड़ेगा। ग्रहों की स्थिति परेशान कर सकती है। इससे फालतू तनाव और खर्चा बढ़ सकता है। कुछ मामलों में झिझक रहेगी। परेशानी का समय पूरी तरह बीता नहीं है। सावधानी रखें। ऑफिस में काम ज्यादा रहेगा। तनाव भी रहेगा। स्टूडेंट्स को ज्यादा मेहनत से ही सफलता मिलेगी। क्या करें, हनुमान मंदिर में लाल ध्वजा झंडा चढ़ाएं। लव निजी संबंधों के लिहाज से थोड़ा चुनौती भरा समय है। अनजाने में पार्टनर के लिए आपका स्वभाव थोड़ा डोमिनेटिव हो सकता है। करियर, नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे। कुछ नए ऑफर भी मिल सकते हैं। अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए कुछ ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। हेल्थ थकान और आलस्य रहेगा। कन्या पॉजिटिव, जिस काम से आपने कई उम्मीदें जोड़ रखी थी आज आपको उसका अच्छा नतीजा मिल सकता है। बड़ी योजनाएं बनेंगी और उन पर काम भी शुरू होगा। कोई संवेदनशील जानकारी आपको मिल सकती है। कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। समस्याओं का समाधान आपको अचानक मिल सकता है। ऑफिस या फील्ड की स्थितियां धीरे धीरे आपके फेवर में हो सकती है। आप उन विषयों पर ध्यान दें जिनसे आपको खुशी मिलती हो। बिजनेस में फायदा मिल सकता है। संतान पर ध्यान देंगे। सेहत सामान्य रहेगी। नेगेटिव, कुछ मामलों में आप थोड़े सावधान रहे। नौकरी धंधे का कोई मामला आगे भी टल सकता है। ऑफिस में गुप्त रूप से होने वाले कामों में सक्रिय रहेंगे तो परेशानी में पड़ सकते हैं। आपके सामने चुनौतीपूर्ण स्थिति बन सकती है। कोई असुविधाजनक स्थिति भी अचानक बन सकती है। आप परेशान भी हो सकते हैं। क्या करें, हल्दी और चावल पीले कपड़े में रखकर लक्ष्मी जी के मंदिर में चढ़ाएं। लव पार्टनर से कुछ गलत फहमियां हो सकती है। बेहतर होगा पार्टनर के साथ हल्की फुल्की बातें करें। किसी भी खास मामले में बात करने से बचें। करियर, कोई नया काम भी आप शुरू कर सकते हैं। गलती से अपना कोई राज किसी के भी सामने नहीं खोलें। स्टूडेंट्स को मेहनत से अच्छी सफलता मिल सकती है। हेल्थ, आपकी सेहत सामान्य रहेगी। कुछ लोगों का पेट खराब हो सकता है और सिर दर्द की समस्या भी रहेगी। तुला पॉजिटिव, एकाग्रता के दम पर आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अपने टारगेट पर कॉन्सेंट्रेट करें। ऑफिस में कोई खुशखबरी मिल सकती है। किसी नजदीकी व्यक्ति से बिगड़े हुए मामले सुलझ जाएंगे। धैर्य रखें, थोड़ा आराम भी कर लें। दोस्तों और परिवार का सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने के योग है। समय पर जरूरी काम पूरे हो जाएंगे। साथ काम करने वाले कुछ लोगों की मदद भी मिलेगी। कारोबार में एक्स्ट्रा इनकम के मौके मिल सकते हैं। नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। नेगेटिव, ऑफिस की कानाफूसी से बचकर रहे।
भविष्य को लेकर कोई अंदेशा आपके मन में हो सकता है। परिस्थितियों से मजबूर होकर आपको नहीं चाहते हुए भी कुछ बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं। घर, परिवार और ऑफिस लगभग हर जगह से आप पर दबाव हो सकता है। काम का बोझ भी ज्यादा रहेगा। भीड़ में परेशान हो सकते हैं। वाहन की गड़बड़ी भी हो सकती है। खर्चा भी ज्यादा हो सकता है। क्या करे, काले कपड़े में कोयला रख कर खुद पर से 7 बार घुमाकर नदी या तालाब में डाल दे। लव, अपने दिल और दिमाग को काबू में रखे। पार्टनर के साथ दिन बीतेगा। पार्टनर से सहयोग मिलेगा। पार्टनर से कोई बड़ा वादा ना करें। करियर कार्य क्षेत्र में काम का लोड ज्यादा होगा, लेकिन जरूरी सहयोग भी मिलेगा। आप अपने कामों से अधिकारियों की नजर में उठ जाएंगे। स्टूडेंट्स को भी सफलता मिल सकती है। हेल्थ पुराने रोग परेशान कर सकते हैं। सावधान रहे। वृश्चिक राशि के निवेश का कोई ऐसा ऑफर भी आपको मिल सकता है जिससे आपको भविष्य में बड़ा फायदा होगा। आपको ऑफिस में एक्स्ट्रा काम के लिए एक्स्ट्रा वेतन या कोई एडवांटेज भी दिया जा सकता है। आपकी जिम्मेदारियां निश्चित तौर पर बढ़ सकती है, जिनको आप अच्छे से निभा लेंगे और उसका फायदा भी आपको मिलेगा। आप पर और आपके कामकाज पर लोगों का पूरा ध्यान रहेगा। आज आप अपनी जिम्मेदारियों पर खरे उतरेंगे। रचनात्मक काम और नए विचारों के लिहाज से समय अच्छा है। कोई अनजाना सहयोग आपके काम पूरे करवा सकता है। कोई बड़ा फैसला भी आप ले सकते हैं। पैसों से जुड़े किसी बड़े फैसले के सुखद नतीजे भी आपको मिल सकते हैं। सेहत सामान्य रहेगी। नेगेटिव किसी भी बात के लिए हाँ करने के प्ले उसे ठीक से समझ ले। बिना सोचे समझे किसी से कोई वादा करेंगे तो परेशान भी हो सकते हैं। खुद अपने ही विचारों में उलझ सकते हैं। कोई भी फैसला बिना सोचे समझे लेने से बचे। वाणी पर संयम रखें। क्या करें, गणेश जी को लड्डू चढ़ाएं। लव, आप और पार्टनर आज खुश मिजाज रहेंगे। लव लाइफ के लिए भी दिन अच्छा रहेगा। दोस्त मिलेंगे और सब कुछ अच्छा रहेगा। करियर कार्य क्षेत्र में मतभेद से परेशान रहेंगे। पैसों का फायदा होगा। किसी के साथ कहा सुनी हो सकती है। करियर के लिहाज से दिन मेहनत करवाने वाला रहेगा। स्टूडेंट्स को छोटी सी बात के कारण परेशान होना पड़ सकता है। हेल्थ, आज आपकी सेहत सामान्य रहेगी। धनु राशि के आज आपको जो अवसर मिले उनके लिए खुद को तैयार रखें। अचानक बनने वाली संभावित परिस्थिति के लिए भी आप खुद को तैयार रखेंगे। आपकी महत्वाकांक्षाएं चरम पर रहेंगी। सफलता की दिशा में आप पूरी ताकत लगा देंगे। आसपास या साथ के कुछ लोग आपसे किसी ना किसी तरह की सलाह भी ले सकते हैं। आपका दिमाग तेज चलेगा, लिहाजा आप सलाह देने में संकोच ना करें। संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। सोचे हुए कुछ काम पूरे होंगे और आपको इसका फायदा भी मिलेगा। कोई बड़ा काम पूरा हो सकता है। सेहत भी ठीक ठीक रहेगी। नेगेटिव, कुछ लोग आपके कामों में रुकावटें पैदा कर सकते हैं। खर्चा भी ज्यादा हो सकता है। रिश्तों के क्षेत्र में आपको काफी सावधानी और समझदारी रखनी होगी। कुछ बातें गोपनीय रखने में परेशानी भी हो सकती है। आपके लिए चुप रहना जरूरी है। किए गए कुछ कामों का नतीजा ना मिले तो परेशान ना हो। कुछ मामलों में दौड़ भाग के बावजूद आपको अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। पैसों और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में लापरवाही करेंगे तो नुकसान हो सकता है। चोट लग सकती है। संभल कर रहे। क्या करें, पीपल के पत्ते पर चंदन से स्वस्तिक बनाकर पानी में बहाएं। लव लाइफ में किसी फैसले पर पहुंच सकेंगे। इससे टेंशन खत्म होगी। पार्टनर के सहयोग से लव लाइफ यादगार और कुछ खास भी होगी। करियर कार्य क्षेत्र और बिजनेस से जुड़ा कोई काम उलझ भी सकता है। कुछ स्टूडेंट्स परेशान हो सकते हैं। हेल्थ, सेहत फ्ले से थोड़ी ठीक रहेगी। ताजगी महसूस होगी। मकर राशि के चंद्रमा की गति आपके लिए अच्छी रहेगी। गोचर कुंडली में 7वें भाव में चंद्रमा होने से आपको ऑफिस में कोई अच्छी खबर मिल सकती है। रूटीन कामों से फायदा होगा सकता है। किस्मत का साथ मिलेगा। मन में अच्छे विचार रहेंगे। आप किसी का भला करने की सोचेंगे। आज आपको अपने भविष्य के खास कामों की प्लानिंग करनी चाहिए।
पैसों के मामले सुलझाने में कुछ लोग आपकी मदद कर सकते हैं। पैसे उधार लेने या देने हो, आपके सामने कोई समस्या नहीं आएगी। लव लाइफ में जो बात बिगड़ जाएगी, पार्टनर उसे संभाल लेगा। आज आपके सामने काम ज्यादा रहेगा, आप व्यस्त रहेंगे, फिर भी जो जरूरी काम है वो समय पर पूरे हो सकते हैं। पार्टनर और किस्मत दोनों का सहयोग मिलेगा। नेगेटिव, आज कुछ लोग आपके कामों में रुकावटें पैदा करने की कोशिश करेंगे। कुछ दोस्तों के साथ अनबन जरूर हो सकती है। सावधान रहे, धैर्य रखें, कोई भी काम आप जल्दबाजी में ना करें। पार्टनर से सलाह किए बिना बड़े फैसले लेंगे तो उलझ सकते हैं। नए काम हाथ में ना लें। क्या करें, हनुमान मंदिर में सिंदूर दान दें। लव पार्टनर के लिए समय निकाल लेंगे और समय देंगे तो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होगी। करियर, नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन ठीक रहेगा। नौकरी बदलने का भी मूड बन सकता है। स्टूडेंट्स को सफलता मिलेगी, पढ़ाई में मन लगेगा, हेल्थ सेहत भी नरम रहेगी। भोजन में सावधानी रखें। कुंभ टारगेट, कुंभ राशि वालों को किसी एक खास दिशा में बढ़ना चाहिए। खुद पर भरोसा रखें और उसी के मुताबिक कदम बढ़ा दें। पार्टनरशिप से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। दोस्त, प्रेमी, जीवन साथी के साथ संबंधों में सुधार होगा। जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। पैसों से जुड़े लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अच्छा समय है। लंबी अवधि के लिए निवेश कर सकते हैं या उसकी योजना बना सकते हैं। निवेश की दिशा में सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ेंगे। आप गंभीरता से कोशिश करेंगे तो आने वाले दिनों में आपकी स्थिति में सुधार हो सकता है। दूसरों की जरूरतें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। भाइयों और पड़ोसियों के साथ समय बीतेगा। नेगेटिव, आज आप लोगों की बातों में न आए, किसी को उधार पैसा ना दे, वापस मिलने की संभावना कम ही है। छोटे मोटे विवाद के भी योग बन रहे हैं। जल्दबाजी में फैसला लेने से आप विवादों में फंस सकते हैं। क्या करें, मंदिर में किसी भी प्रकार का अनाज दान दें। लव संबंधों में चल रहे असंतोष का मुद्दा आपके सामने आ सकता है। लव लाइफ की हर बात खुलकर होगी और गलतफहमियां दूर हो सकती है। संबंध मधुर रहेंगे। करियर बिजनेस में सावधानी रखें। किसी को उधार पैसा ना दें। स्टूडेंट्स थोड़े परेशान जरूर रहेंगे, लेकिन परेशानियों का हल मिल सकता है। हेल्थ वायु रोग से परेशानी हो सकती है। भोजन में परहेज रखें। मीन टारगेट, जिस काम या लक्ष्य के लिए आपने पूरी मेहनत की है, उसका नतीजा आपके फेवर में ही हो सकता है। खुद पर भरोसा करें तो आपकी कोशिशों में कमी नहीं आएगी। मिलाजुला दिन रहेगा। किसी सामूहिक गतिविधि की जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है। दोस्तों और रिश्तेदारों से आपके संबंध खास हो सकते हैं। परिवार के लोग मददगार भी रहेंगे। बहुत से उलझे हुए मामले आज सुलझ जाएंगे। लोगों के साथ व्यवहार में आप कॉन्फिडेंस से पेश आएंगे। दूसरों की मदद करने के लिए आप हर संभव कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश करें जो आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। आपको कई तरह की जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ सकती है। नेगेटिव, स्टूडेंट्स कुछ परेशान जरूर रहेंगे। मदद के लिए दूसरों पर डिपेंड हो सकते हैं। किसी प्रकार की देरी या भ्रम की स्थिति में धैर्य नहीं होने से आपके काम बिगड़ सकते हैं। सेहत भी खराब होने के योग बन रहे हैं। सावधान रहे। क्या करें, सुहाग की फैज सामग्री माता जी के मंदिर में चढ़ाएं। लव, आपका मन जोगता है वही करें। वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा। पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है। प्यार भरी बातें होंगी। करियर, कार्यक्षेत्र और बिजनेस में परेशानियां खत्म हो सकती है। साथी से सहयोग मिल सकता है। बिजनेस में कोई बड़ा मौका मिल सकता है। स्टूडेंट्स तनावग्रस्त भी हो सकते हैं। मेहनत से कम परिणाम मिलेंगे। हेल्थ सेहत कमजोर हो सकती है। ज्यादा बोझ ना लें। मन भी मायूस रहेगा।